क्यों आया पाकिस्तान छोड़ रहे हिंदुस्तान के? अच्छा हर कोई दुख आवे है ना बाबा, इधर आग लगा कर अपने बंदों से लगा कर गरीबों को कुटवाया है और मरवाया है इन लोगों ने। अख बंदे आके सानू इतने कुट रहे ने, राजे इम्तियाज दे बंदे आके इतने सानू कुट रहे ने, घर साढ़े चल गए ने सारे, विच वेख लो सारा कुछ चल गया, विच धुआं ही धुआं वेख लो जी, सारा घर चल गया वा। परेशानियां बहुत थी वहाँ, जो हमारे हिंदू लोग हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है, मुसलमान बहुत दबाव डालते हैं, लड़कियां देखते हैं इसके घर में हैं, आकर लेकर चले जाते हैं। उन्होंने बोला मैं मुसलमान हो गया, ना हमें मिलाया गया है ना हमें कोई पता है, 5 दिन से हमें ये रुला रहे हैं, पता नहीं उनसे हमारी बेटी से उन्होंने क्या 5 दिनों में पता नहीं कितना जुल्म किया होगा। अभी जो रेशो ये है कि मंथ 1 महीने में 5-7 केस ऐसे हो रहे हैं। कोई भी मदद के लिए नहीं आता है, सरकार भी नहीं आएगी, कोई भी नहीं आएगा वहाँ, उनके साथ में न्याय नहीं हो सकता है, कभी भी न्याय नहीं हो सकता है, और वो उनके पास सिवाय पलायन करने के अलावा और कोई जरिया नहीं। अभी आपके मुल्क में सही के आपने शरण में आ गए हैं, और आप मेहरबानी करे कि सानू नागरिक मिल जावे, बेघर होए बैठे यहाँ का नहीं मानते हैं, कार नहीं बनते हैं, नागरिकता नहीं मिलती है, तब तक हमें गैस नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, डॉक्टर के पास गए उन्होंने इलाज ही नहीं किया कि आपका आधार कार्ड नहीं है, सोनोग्राफी होगी नहीं, बगैर किसी शनाख्त के, बगैर किसी पहचान के, बगैर किसी घर के बंदा कितना सर्वाइव करेगा। वन में नौक दे, जंगल में नौक दे, जेते नौक दे मैं पड़ी आ रहा हूं, मारो हाल कर बात मां, मारी बार बार गुजारत है, मारी हाथा जोड़िए, मैं बेकार हो ना आथारी सन नहीं है, और मैंने नागर सरकार नागरिकता दे दी तो आप पढ़ेंगे? हाँ जरूर पढ़ देते हो, नहीं पढ़ देते हैं।